हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, रात के खाने से। तो ये व्लॉग है 4 से 5 दिन पहले का। तो आज बन रहा था बाटी चोखा। तो देखा ना गिरा ये देखो, ये मेरा भांजा है देव। हेलो बोलो। हेलो 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 हेलो। ये मेरा भांजा है, सबसे छोटा भांजा देव, देव तिवारी। दिस इज देव। इतना दोनों परेशान किए हैं, कोई काम नहीं करने दे रहा। ये देखिए ये बहुत परेशान कर रहा है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा हम लोगों को बहुत ज्यादा। गोदी में खा दो। क्या चीज? गोदी में खा दो। गोदी में नहीं खा दो। अरे काम करे ना मामी, काम कर ले। तो देखा आपने कि किचन में कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी। तो क्योंकि दीदी आई हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा था घर में। तो इसलिए आज हम लोग बना रहे थे बाटी चोखा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे थे, सारी चीज़ें एक एक करके पूरा तैयार कर रहे थे। तो इसके लिए मैं यहाँ मिक्सर में पीस रही हूँ चने को, भुना हुआ चना। तो हम लोग बनाएंगे चने की बाटी, जो उसका भरवन होता है, जो उसका फिलिंग जिससे की जाती है, उसको जो भुना हुआ चना होता है उसको पीस के उसका पाउडर बना के फिर उसमें सारे मसाले वगैरह जो उसमें डलता है वो सारी चीज़ें डाल के उसको हम लोग बाटी के अंदर भरेंगे, फिलिंग करेंगे उसकी। तो यहाँ मैं और ऋचा मिलके पूरा बाटी चोखा का सारा हम लोग इंतज़ाम कर रहे थे। वो भी कुछ कर रही थी और मैं भी कुछ जो जो समझ में आता कर रही थी। और वो देखिए पीछे से आ गया लड्डू। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी ये लोग चले गए हैं, दीदी चली गई हैं, तो थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है। और वीडियो में देख के लड्डू की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी। तो अब यहाँ जो चने का पाउडर था वो इस तरह से बन चुका है। तो पाउडर आपको एकदम ही महीन बनाना है, इसका जो पाउडर है। और अगर आपको लगे कि बीच में इसके टुकड़े आ गए हैं चने वाले, तो आपको इसको महीन वाली छलनी से अच्छे से इसको चाल लेना है, जैसे कि एकदम पाउडर सा बन जाए। इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ अचार का मसाला। तो अचार का मसाला इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो करायल पड़ती है और सारे मसाले वगैरह, तो अचार के मसाले में सारी चीज़ें पहले से पड़ी होती है और इसमें कुछ खट्टेपन की ज़रूरत होती है। तो अचार का जो मसाला होता है उसमें खट्टापन भी होता है, तो इसमें सारी ही चीज़ें पहले से डली हुई होती है। तो आपको इसमें अलग से कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने अचार का मसाला डाल के खूब अच्छे से इसको मैं मिला लूँगी, पूरा मिक्स कर लूँगी। आपको इसको हाथ से ही करना होगा, जिससे कि अगर इसमें कोई भी बीच बीच में ऐसे रह जाता है, गांठ बन जाती है, तो वो अच्छे से आपको दोनों हाथों से इसको पूरा मिक्स कर देना है, जिससे कि सारी चीज़ें इसमें मिल जाएँ। फिर आपको इसमें डालना है प्याज, लहसुन, हरी धनिया और हरी मिर्च, अदरक। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ मैंने अदरक और लहसुन को इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट बनाने में अच्छा होता है कि पूरे इसमें मिक्स हो जाता है, कटी हुई होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वो उसका टेस्ट अच्छे से नहीं आता है। और प्याज को यहाँ
चिली कटर में अच्छे से इस तरह से इसका भी पेस्ट बना लिया है। तो चिली कटर में बनाने का ये फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा ये इसका पेस्ट नहीं बनता है, इसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो कि बाद में आपके मुंह में आते हैं। बाटी के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसका जो फिलिंग है आपको खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको आटा गूंथ लेना है थोड़ा सा सॉफ्ट, और उसमें इसको भर के फिर आप चाहे इसको अंगारे में सेक सकती हैं या फिर आप इसको तेल में तल सकती हैं। तो ये दो तीन तरीके से बनती है, या फिर आप इसको जैसे कि स्टीम करके बनाते हैं मोमोज़ वगैरह, आप उस तरह भी इसको बना के और दोबारा से फ्राई कर सकती हैं। तो इसकी बहुत सारी वेराइटी होती है, बहुत तरीके से इसको बनाया जाता है, और आपको जो सही लगे, आपको जो अच्छा लगे, आप उस तरीके से बना सकती हैं। तो अब हम लोग यहाँ इसको बाटी के अंदर सारी फिलिंग भर रहे थे हम दोनों मिलके, और पता नहीं किस बात पे हम लोग हंस रहे थे, याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। तो आपको इस तरह से आटे की छोटी छोटी लोई लेनी है, फिर आपको बीच में जो इसकी फिलिंग है वो भर के उसको अच्छे से पैक कर देना है। तो बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपने अभी तक नहीं खाई तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा, ज़रूर से खाइएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये यूपी बिहार में फेमस है, हर कोई इसको खाया ही होगा चोखे के साथ, जो आलू बैंगन का चोखा होता है, और ये बाटी बहुत 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 ज़्यादा इसका मस्त वाला कॉम्बिनेशन है, और ख़ासकर सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ हम दोनों मिलकर और ये बाटी पूरा तैयार कर ले रहे हैं, और साइड में मैं इसको बनाऊंगी तंदूर में, जो गैस तंदूर होती है। तो क्योंकि अभी अंगार वगैरह थे नहीं और वो मुझसे उसमें बनता भी नहीं है जो आग में बनाते हैं, तो इसलिए तंदूर इसका बेस्ट ऑप्शन होता है। आप इसको भी ट्राई कर सकती हैं जो गैस तंदूर होता है, तो मैं उसमें बनाऊंगी। तो इसको 5 मिनट पहले मैं हीट होने के लिए गैस पे रख दूंगी, जब वो अच्छे से हो जाएगा उसके बाद ये सारी बाटियाँ उसमें सेंकने के लिए मैं रख दूंगी। अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से है और किस तरह से उसमें हम लोग उसको रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर घर में कोई आता है। तो दीदी लोग आई थी तो हमने सोचा कि सबको ये बाटी खिलाते हैं, तो इसलिए हम लोग बाटी बना रहे थे। तो ये देखिए, और यहाँ मैं बीच बीच में थोड़ा सा इस तरह से वीडियो भी रिकॉर्ड करते जा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको बनाते हैं। तो ये यहाँ मैंने लिए छोटी सी आटे की लोई, और ये रहा वो तंदूर। तो इसको मैंने रखा है गैस में गर्म होने के लिए, जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर ये सारी बाटियाँ रख के और सेंक देंगे। तो ये देखिए, ये जो इस तरह से आपको इसके ऊपर सारी ही बाटियाँ रख देनी है, और इसका जो ढक्कन है आपको उसको बंद कर देना है 10 मिनट के लिए। तो अच्छा खासा जब ये एक साइड से पक जाएगा तो आपको इसको टाइम टाइम पे देख के और आपको इसको पलट देना है। तो कुछ इस तरह से बनती है हम लोगों के यहाँ बाटी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 2:00 PM, आपको पता होगा कि 2:00 PM और बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा बदली है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज दिन है मंडे है, आज 9 जनवरी है, एंड आज मेरा फास्ट भी है। मेरा मंडे का फास्ट मैं हमेशा से रखते आ रही हूँ, मंडे का फास्ट वो मैं शादी के पहले से अभी तक मैंने उसको कंटिन्यू रखा है। तो आज है मेरा फास्ट, तो अभी 1 घंटे पहले हम लोग सारा काम करके और मैंने फलाहार वगैरह लेके, मतलब फलाहार करके मैं जस्ट ऊपर आई हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, अपना वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं वीडियो शूट करूँगी कि किस तरह से सर्दियों में आप साड़ी के ऊपर ब्लेज़र हो या कुछ कार्डिगन हो, या मतलब आप
बेसिकली मैं आपको आज बताऊंगी कि आप सर्दियों में साड़ी को किस तरह से स्टाइल करें, किस तरह से पहने उसको, स्वेटर के साथ किस तरह से पहने। तो आज मैं आपको ये वीडियो शूट करूंगी, तो मैंने सोचा कि मैं वो वीडियो तो शूट करूंगी ही, और साथ साथ जो मेरा व्लॉग जो पहले वाला पूरा चला आ रहा है उसको मैं आज यहाँ थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी क्लिप में आज की भी उसमें ऐड करके और व्लॉग एंड कर दूँगी, क्योंकि दो तीन दिन पहले भी मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था जब हम लोगों के यहाँ हमने बनाया था बाटी चोखा। उस दिन भी मैंने शाम को थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया था, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं उसको एंड भी कर दूं और साथ साथ मुझे एक वीडियो भी बनानी है कि सर्दियों में किस तरह से साड़ी को स्टाइल करें, तो मैं उसको भी शूट करूंगी, साथ साथ मैं अपना ये व्लॉग भी यहाँ आज एंड करूँगी। तो अभी मैं अपना सारा बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, जो रात के सारे ब्लैंकेट वगैरह फैले थे उसको मैं एक सा करके और अपना कमरा थोड़ा सा ठीक ठाक करके फिर मैं साड़ी निकालूंगी जो मुझे पहनना है, और मैं स्वेटर निकालूंगी, ब्लेज़र निकालूंगी जिसके ऊपर मुझे जिसको भी मुझे स्टाइल करना है साड़ी से, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें मैं निकाल के भी बाहर रखूँगी, एंड थोड़ा बहुत जो होगा मेकअप करूँगी, एंड मैं वीडियो बनाऊँगी, देखती हूँ किस तरह से बनती है, कितने देर में बनती है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, उसको पहनना होता है और फिर बारी बारी से उसको पहन के फिर उसको दिखाना पड़ता है कि किस तरह से आप स्टाइल करें, तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी 2 बज रहे हैं, मेरे पास 2 से 3:30 तक का टाइम है अभी दोपहर में वीडियो वाला, तो मैं सोच रही हूँ मैं 2 से 3:30 के बीच में सारे अपने काम कर लूँ वीडियो वाले, फिर मुझे इसको एडिट भी करना होता है, उसमें वॉइस ओवर भी करनी होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, एंड थंबनेल भी बनाना पड़ता है, अपने से ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ अभी 1 से 1.5 घंटे में सारे काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फिर अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी दिन भी थोड़ा सा छोटा होने लगा है एंड और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल भी इस टाइम पे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बस इसी वजह से क्योंकि दिन छोटा होता है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उधर सुबह वाला काम ख़त्म करते करते 1:30 बज जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर आती हूँ तो लगता है थोड़ा सा आराम कर लो, तो कई दिनों से मेरा कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज तो मुझे करना ही है वीडियो शूट, चाहे जो हो जाए, आज मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। थोड़ा सा मैं अपना कमरा किस तरह से ठीक करती हूँ, ये देखिए कि ये साड़ी है, मैं सोच रही हूँ इस पर बना लूँ जो वीडियो मुझे बनानी है विंटर स्टाइलिंग के ऊपर। तो ये है प्योर कॉटन की साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी है, ये देखिए ये है पिंक कलर की साड़ी, एंड इसमें जो ब्लाउज़ है वो है ब्लू कलर का, इसमें ब्लाउज़ है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने सोचा है कि मैं ये वाली साड़ी में या तो बना लूँ, ये भी सुंदर सी है, या फिर मैं आपको एक दो और दिखा रही हूँ, तो एक ये प्लेन साड़ी है रेड कलर की, इसमें ये बॉर्डर है, देखिए ऐसे वाली, या तो मैं एक दो और साड़ी देखती हूँ शायद मैं उस पर बनाऊँ, ये देखिए ये मैं प्लेन साड़ी में वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर प्लेन साड़ी में बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा, तो इसलिए मैं प्लेन साड़ी ढूंढ रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, देखती हूँ मुझे कौन सा मिलता है। तो मैंने जो बाहर साड़ी रखी थी वो तो मैं देख चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा जो ये वाला बैग होता है जो वैसी वाली साड़ी है मैं इसमें भी देख लेती हूँ, अगर उसमें अगर कोई साड़ी पसंद आएगी तो वो मैं निकालती हूँ फिर देखती हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ
कि यहाँ पे पास में ही अभी एक मेला लगा हुआ है जो कि थोड़ा सा प्रदर्शनी टाइप में, मैंने आपको बताया था ना जब वो मैंने अपना ड्रेसिंग क्लीनिंग वाला वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें आपको एक ईयर रिंग दिखाई थी। एक सेकंड मैं ठीक से आपको बताती हूँ ट्राईपॉड को पास में रख के। तो मैंने जिस दिन अपना तो मैंने उस वाली वीडियो में जो ड्रेसिंग क्लीनिंग वाली वीडियो मैंने आपको 2-3 ईयर रिंग दिखाए थे उसको मैंने बताया था कि मैं जब मेला गई थी देखने तो वहाँ से वो ईयर रिंग लेके आई थी। तो वहाँ से मैंने एक साड़ी भी ली थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है जो कॉटन मिक्स साड़ी होती है वो होती है। तो मैंने अभी तक आपके साथ उसको शेयर नहीं किया था। ये देखिए ये है वो साड़ी जो कि मैं मेला से लेके आई थी और आपको बिल्कुल भरोसा नहीं होगा ये बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में मुझे मिली थी। ये देखिए ये वो साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है, ये कॉटन मिक्स साड़ी। ये देखिए ये इसमें का ये बॉर्डर है जो कि सेम कलर में है, हल्का सा शाइनिंग वाला जो फैब्रिक होता है वो लगा हुआ है। एंड इसमें पूरे में जैसे सेल्फ डिज़ाइन होती है ना बीच बीच में कुछ उस तरह से इसमें पूरे में दिया हुआ, तो बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है। पहनूंगी तो मैं ज़रूर से आपके साथ इसको शेयर करूंगी कि कैसी लग रही है पहनने के बाद। एंड मैं आपको इसका आंचल दिखाती हूँ कि इसका आंचल कैसा है। इसका आंचल बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए ये है इसका आंचल। तो ये है इसका मैं वीडियो बनाऊंगी वो इसी साड़ी में बनाऊंगी क्योंकि प्लेन साड़ी है, सुंदर सी साड़ी थोड़ी सी डार्क कलर की और मुझे कोई समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसी साड़ी में वो वीडियो बनाऊंगी। तो मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी होने एंड ये साड़ी पहन कर रेडी होने और वो वीडियो शूट करने। तो ये रहा ब्लाउज इस साड़ी का, मैं आपको उसको बाहर से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सा ब्लाउज है। ये देखिए ये है ब्लाउज, कंट्रास्ट में ब्लाउज है इसका, जो साड़ी है वो पिंक है एंड ब्लाउज है ये है ब्लू कलर का, फिरोजी कलर का ब्लाउज है। तो ये देखिए तो अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। हे एवरीवन, सो यहाँ मैंने ये साड़ी पहन ली है, देखिए कुछ इस तरह से मैंने साड़ी पहनी है। ये देखिए कुछ ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाँ मैंने साड़ी पहन ली है, ठंड में बार बार इस तरह से कपड़े चेंज करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको पता है बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। और इसके पहले मैंने सूट पहना था पूरा, अंदर से इनर विनर सब पहना था और फिर से दोबारा सब चेंज करके मुझे साड़ी पहननी पड़ी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है ये भी ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ी सी ठंड बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा आप लोग प्यार दिया करिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी आप लोग हेल्प किया करिए वीडियो के लिए। तो ये देखिए एंड यहाँ मैंने साथ में ये हीटर भी जलाया हुआ है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी मैंने ये साड़ी पहनी है, मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा मेकअप करने, अपने बाल ठीक करने। तो ये देखिए ये है साड़ी, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ इसका पूरा लुक। तो बहुत सुंदर सी साड़ी है, कॉटन की है, पिंक कलर की। ये देखिए थोड़ी सी कंघी करके अपना बाल ठीक कर लेती हूँ बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। जो मैं कर रही थी, हे एवरीवन, सो मैंने वो वीडियो अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड करके उठी हूँ। तो ये देखिए पूरा कितना सारा सामान फैला हुआ है। ये देखिए ये यहाँ ईयरिंग लाइट लगी है, वो ट्राईपॉड और ये सारे
विंटर वियर सारे सामान ये सारी चीज़ें दोबारा से फैल गई हैं, जिनको कि मैंने पूरा एक साथ समेट के फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन वीडियो बनाते बनाते पूरा बेड फिर से इस तरह से फैल चुका है। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं 3:30 बजे तक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एक एक चीज़ पूरा चेंज करना पड़ता है, पहन के दिखाना पड़ता है सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा लेट हो गया। शाम के 4 बज रहे हैं एंड जस्ट अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके उठी हूँ, तो अभी मैं साड़ी चेंज करके वापस से सूट पहनूँगी और ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जो हो पाएगा वो एक सा करके पूरा समेट के रख दूँगी अलमारी में, हो सकेगा तो बाद में इसको फोल्ड करूँगी। उसके बाद नीचे जाऊँगी चाय पीने। तो यही सारी चीज़ें होती है, एक वीडियो रिकॉर्ड करने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें फैलानी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है और इतना करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चला गया। एंड अभी बज चुके हैं 4:00, तो मैं जस्ट अभी चेंज करने जा रही हूँ, सूट वगैरह पहनूंगी और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अगर आप में से मेरे चैनल पर कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा इस तरह कर भी वीडियो देखने के लिए एंड वीडियो पूरी देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय। ख्याल रखिएगा अपना और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मुझे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। ये रही चाय। हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत में चाय लेके, वहां चाय पियेंगे बैठ के। अरे मैया, हाँ।